अच्छा, यहाँ पे कितने लोग लंदन गए हुए अपने में से? लंदन गया हुआ है कोई? मतलब गए हो तो ऐसे प्रेशर नहीं कोई सर? नहीं, क्योंकि पिछले साल मेरे को शो आया लंदन में, पर ठीक है। तो लंदन में शो आया तो वो तुम्हारे साथ क्या होता है, जब तुम्हारे साथ कोई औकात से बाहर चीज़ हो जाती है तो तुम्हें वैसे यकीन नहीं होता कि कोई लंदन बुला रहा है और इसके पैसे भी देगा। तो मेरा एक दोस्त है जो बहुत ट्रैवल करता है, आप लोग शायद उसको जानते भी हो अगर आपने थाईलैंड वाला वीडियो देखा है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैं जिगा भाई कि ऐसे से लंदन में शो है, तो जिगा बोले ऐसे मुंह उठा के मत चले जाना, पहली बार जा रहा है, थोड़ा उनके कल्चर के बारे में सीख ले। मैं ठीक है, तो मैंने क्वीन देख ली। मैं जिगा अब चले जाऊँ? बोला नहीं, बस एक चीज़ और, तेरा ना थोड़ा इंग्लिश का सीन है, तेरे को अंग्रेजी की ना दो चार वर्ड आते, कम से कम दो चार और सीख ले। मैं ठीक है, तो मैंने शशि थरूर की स्पीच देख ली। अब मैं जाने के लिए तैयार, तो जैसे अपने T3 एयरपोर्ट पहुंचा मैं यहाँ जाने के लिए, तो एयरपोर्ट पे जहाँ वो चेक इन लगे नहीं होता, बंदे लेके सामान रख रहे होते हैं आपका, मैंने बोला जो जो नए वर्ड सीखे यही मौका है उनको यूज़ करने का। तो जैसे ही बंदे ने मेरा सामान लेके रखा ना चेक इन के लिए, मैं सुन इम्पेकेबल, आसपास वाले हैरान, सब क्या क्या इंग्लिश बोल रहे हैं, किसी को समझ में नहीं आई, मेरे को पता है किसी को समझ में नहीं आई, इंग्लिश का वर्ड अगर सामने को समझ में नहीं आए मतलब सही जा रहे हो। प्लेन के अंदर गया तो अंदर ना मेरी मिडिल सीट थी, मेरे को जो असाइन थी मिडिल सीट थी, मैंने ना जो आइल पे बैठा था उसको रिक्वेस्ट किया साइड वाले को कि सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू प्लीज सिट ऑन द मिडिल सीट, मैं साइड में बैठ जाऊंगा, मेरे बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। बंदे ने सीधा मना कर दिया ऐसे, नो मैं सुन ऑब्नॉक्शियस। भाई इन दो वर्ड में क्या लंदन ट्रिप निकला मेरा। फाइनली लंदन में लैंड कर गया, लंदन में लैंड करते भाई साहब लंदन में गोरे लोग असली वाले, इधर तो जम्मू कश्मीर वाले पे नहीं नहीं वो नहीं, असली के गोरे लोग, इतने गोरे डायरेक्टली उनकी तरफ देख ही नहीं सकते तुम, ऐसे देखो आंखों में चौंधा पड़ता है इतने। मतलब कैसे समझाऊं, फेयर एंड लवली की एड देखी सबने, फेयर एंड लवली की एड में दिखाते ना 4 हफ्तों में इतना गोरापन, इस गोरे को वहां पर सावला बोलते हैं, इतने गोरे लोग। तो लंदन पहुंच के मैं होटल में चेक इन कर लिया अपने, लंदन का पर होटल एक नंबर, यहां पैर रखो दरवाजा खुल रहा है अपने आप, जो देख रहा है तुम्हारी तरफ बंदी बंदा जो देख रहा है स्माइल कर रहा है, जो देख रहा है स्माइल कर रहा है। मैं एक बार तो देखा साला मुंह पे कुछ लगा तो नहीं है, इतना तो मम्मी देख के स्माइल नहीं करती अपने को। पानी रूम में चेक इन वेक इन किया, रूम में पहुंच गए तो रूम में ना, लंदन का क्या सीन है कभी जाओ इसलिए ध्यान रखना, इस बात को बता देता हूँ, लंदन में ना तुम्हारा IQ टेस्ट करते हैं। अपन होटल यहाँ काम ही अपना घूमना फिरना, यहाँ होटल में रोज रुकते हैं, यहाँ पर होटल में ना पानी की बोतल पे टैग लगा होता है वाटर कॉम्प्लीमेंट्री वाटर फलाना वाटर वाटर, लंदन में नहीं, लंदन की पानी की बोतल में टैग लगा हुआ था H2O। मैं ये क्या है, दिख तो पानी जैसा ही रहा है। मैं गूगल करके देखा H2O, तो बोला साइंटिफिक नहीं वर्ड, मैं भेजे तो वाटर लिख देते। और फिर मैं उसके बाद रिलैक्स होने चला गया, बंदा दिन में एक ही बार रिलैक्स होता है, कोई कोई लोग दो बार भी कर लेते हैं रिलैक्स होना। तुम जिंदगी के सारे प्लान भी ये बनाते हो कि कल शो है, शो के बाद ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, सही चल रहा है सब, जैसे अपना काम खत्म हुआ मैं चलो धोया जाए। कैसे मैं इधर लेफ्टी होंगे लोग, लेफ्टी होंगे इधर होगा, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो भैंजो पानी कहां से आएगा। तो फिर मैं सोचा कि लंदन ये लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, तो ऐसे ये अपनी तरह नहीं गए पानी लेके, नहीं नहीं टेक्नोलॉजी मेरा ऐसे नहीं। मैं सारे गामा पास सारी धुन में ताली बजा ली, पानी नहीं आ रहा, और क्या हो सकता है। फिर मैं ध्यान दिया कि नलका नहीं है बाथरूम में पर फोन है। मैं भाई साहब कितने कितने आगे हमसे टेक्नोलॉजी में, नलका फोन की शेप में। तो मैंने ऐसे रिसीवर उठा के
उसमें ऐसे छेद-छेद भी बने हुए थे शावर पानी में, और जैसे ही उठाया ना उठाते उसमें ट्र आवाज भी आने लगी, मैं पानी आ रहा पानी आ रहा पानी आ रहा। मैं 5 मिनट तक पकड़ के रखा, पानी नहीं आया। मैं साला पानी का दिल्ली से आ रहा है क्या? फिर मैं बोला अरे पागल ऐसे उठाते ही थोड़ी आएगा, कोई बटन दबाना पड़ता होगा। तो मैंने 9 दबा दिया तो उसमें से बंदे की आवाज आने लगी, मैं भैंचो बंदा आके धोएगा। फिर मेरे को ऐसा चाहते रहे अरे असली का फोन है। तो मैंने बोला फिर बात ही कर लेते, ऐसे छुआ नहीं था दूर था। तो मैं हेलो, मैं उसके बाद हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं भाई ये पानी का क्या सीन है? बोले पानी तो नहीं है। मैं तो धोऊं कैसे? बोले धोने नहीं, वो राइट साइड में नीचे आपको व्हाइट कलर का पेपर रोल दिख रहा है? मैं हाँ दिख रहा है। बोला उससे पूछ लो। मैं पागल है भैंचो विद्या मां, वो तो भगवान भला करे H2O का। भाई साहब लंदन वाले सुधरे नहीं, ये अंग्रेज अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। जैसे कोई हिंदुस्तानी चेक इन करता ना, नलका निकाल इसका, नलका निकाल। मैं दिमाग खराब, मैं समझ गया अपना काम करके शो करके वापस निकलना, ये लोग व्यवहार के लायक नहीं है। पर आने से पहले मुझे एक चीज याद थी, तुम सब लोग चैन की नींद से आते हो, मैं नहीं। मुझे याद था लंदन गए हैं तो कोहिनूर वापस लाना है। मैं पहुंच गया बकिंगम पैलेस, तो वहां बाहर जो उनके सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते ना, वैसे भाव खड़े होते, मतलब हिंदुस्तानियों को देख के ना ऐसे इधर उधर देखने लगते कि अरे आ गए पुराने गरीब। फुल इग्नोर है, देख मैं खड़ा हूँ देख इधर उधर। तो जैसे एक बंदे से आई कॉन्टेक्ट हुआ ना, मैं सुन 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 मालकिन को बोला, तो एलिजाबेथ तो आई नहीं, पर एक गोरा सा बंदा भागता है कि आके हाय आई एम चार्ल्स, बताओ क्या काम है? मम्मी तो खाना बना रही है। तो मैं बोला चल इसे बात कर लेते हैं। मैं बोला तो क्या सीन है कोहिनूर का, हो गया हो तो दे दो। साफ मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं दे रहा। मैं चलो हम दिल्ली से हम अपनी पार्किंग नहीं छोड़ते। ये तो कोहिनूर है, मैं लेके जाऊंगा। तो हमारा ऐसा फुल आर्ग्यूमेंट हो गया। इतनी देर में ना उनके बंदे ने मेरा पासपोर्ट चेक कर लिया, तो जो मेरा वीजा था ना वो एक दिन पहले एक्सपायर हो गया था। ये मेरे दिमाग में था नहीं, मैं हैं चलो तो इतने में चढ़ गए वो तो मेरे पीछे। ओ हो 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 हो, टू लिव इन अनदर कंट्री विदाउट देयर परमिशन इट्स अ क्राइम, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये तो क्राइम है, तुम किसी और के कंट्री में उनके इजाजत के बिना रहता है, क्राइम है। मैं बोला भैंचो तू तो मत ही बोल।